अस्सलाम वालेकुम अजीज साथियों, आज एक खबर आप तक पहुंची होगी कि मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर में जो है वो यूनियन मिनिस्टर अमित शाह की तरफ से उस पर पाबंदी आयद कर दी गई है, या यूं कहें कि वो जम्मू कश्मीर में बैन हो चुकी है। इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। दरअसल जो मुस्लिम लीग जम्मू एंड कश्मीर है, इसके चेयरमैन जो है वो आलम मसरत हैं, या यूं कहेंगे मसरत आलम। तो मसरत आलम जो है इसके चेयरमैन थे, और जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है उसके चेयरमैन भी मसरत आलम थे। और उसके बाद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पर जो पाबंदी आयद कर दी गई, तो क्योंकि सैयद अली शाह गिलानी की हुर्रियत कॉन्फ्रेंस थी, तो इन्होंने अपनी एक मुस्लिम लीग के नाम से यूँ कहेंगे पार्टी जमात कहेंगे, या यूँ कहेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका मुद्दा और मकसद यही है कि अपनी आवाज़ को दबाने के बजाय आगे जाहिर करना, जो या यूं कहें कि जो वो आज़ादी की जद्दोजहद थी जम्मू कश्मीर में, तो वो आवाज़ कहीं दब ना जाए और उस आवाज़ को जो है उठाए रखना इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद था। आज ये खुद अमित शाह ने एक ट्वीट करते हुए इस बात को कहा कि जो जम्मू कश्मीर में मुस्लिम लीग है उस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अब क्या होगा कि जो इसके चेयरमैन है मसरत आलम, उन पर यूपीएपी के तहत केस दायर कर दिया जाएगा। मुस्लिम लीग में जो भी इन्वॉल्व होगा उन पर एक्शन लिया जाएगा सरकार की तरफ से। और आप इस मुस्लिम लीग को इस तरीके से समझ सकते हैं कि खुद अमित शाह ने इस बारे में जानकारी दी और खुद वही इस बारे में हैंडल कर रहे हैं। मुस्लिम लीग पर जितनी भी पाबंदी आयद करनी हो गई, या मुस्लिम लीग को जिस तरीके से बैन करना है जम्मू कश्मीर में, या एक्शन लेना है मुस्लिम लीग में जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ, खुद यूनियन मिनिस्टर देख रहे हैं सब सिस्टम को। तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि कितना सीरियस और क्रिटिकल मसला है। हाल ही में बनी थी मुस्लिम लीग, और मसरत आलम जो है इसके चेयरमैन है। मसरत आलम की पैदाइश जो है 1971 में श्रीनगर में हुई थी, एक बहुत बड़े आलम दीन भी है। जमात इस्लामी से भी इनका गहरा ताल्लुक है, यानी यूं कहें रला मिला के जो जमात इस्लामी है उनके साथ भी इसका उठना बैठना। आप देखिए कि जो मीडिया है, खासकर एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसमें बहुत जोर शोर से इस बात की चर्चा है कि जम्मू कश्मीर में एक मुस्लिम लीग की एक पार्टी है जो टेरर एक्टिविटीज में मुलावस होती है, जो मतलब उकसाने में या मतलब देश विरोधी नहराबाजी करने में मुलावस है, उस पर एक किस्म से पाबंदी आयद की गई है। तो ये एक उनका जो है दुबलापन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खासकर जो कि टीवी चैनल वाले हैं, बड़ी बड़ी चैनलें हैं, वो एक जोर शोर से इस बात को आगे उजागर कर रही है कि अमित शाह ने बहुत बड़ा काम किया है, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो मुस्लिम लीग के नाम से है उस पर पाबंदी आयद की। कुछ भी नहीं है, कुछ चुने गिने लोग थे और सिर्फ नाम रखा था। अभी ऐसा कुछ जैसा कि हम कहेंगे कि जम्मू कश्मीर पुलिस के पास इनका कोई ऐसा खराब रिकॉर्ड अभी तक आया नहीं मुस्लिम लीग में जो के लोग शामिल हैं उनका, खासकर उससे पहले तो वो अलग बात है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पे बैन लगने के बाद ये वजूद में आई है, इस्लामी जमात इस्लामी से भी इसका ताल्लुक बताया जा रहा है जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं या हम पढ़ते आ रहे हैं। तो इस तरीके से ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि अब इस पर पाबंदी आयद कर दी गई।